अभी आप इस वीडियो में जो इमेज देख रहे हैं ये शायद आपको कोई वॉलपेपर या पेंटिंग लग रही होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई वॉलपेपर या किसी चित्रकार की पेंटिंग नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के सुदूर इलाके की असली तस्वीरें हैं, जिसे हाल ही में लॉन्च किए गए एक टेलीस्कोप या ये कहें कि एक टाइम मशीन से ली गई है। एक ऐसा टेलीस्कोप जिसके शीशे में लगा है शुद्ध सोना, जिसे बनाने के लिए अमेरिका की नासा, यूरोप की ईएसए और कनाडा की सीएसए जैसी तीन दिग्गज स्पेस एजेंसियों को साथ आना पड़ा। 1500 से अधिक देशों के संस्थान और वैज्ञानिक एक हुए और जिसे बनाने में करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर भी इसे बनाते बनाते 20 साल से ज्यादा का वक्त लग गया, जो बनी दुनिया की सबसे धाकड़ दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नासा ने 12 जुलाई 2022 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरें जारी की। कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मांड की अब तक की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली रंगीन तस्वीरें हैं, यानी ब्रह्मांड की इतनी साफ तस्वीरें इससे पहले कभी नहीं देखी गई। तो आइए हम पहले इन फोटोज पे जरा गौर करते हैं, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने कैमरे में कैप्चर किया और जिसे देख के स्पेस एंथुसियास्ट पागल और हैरान हो गए। तो वहीं स्पेस साइंटिस्ट इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। आकाश गंगाओं की तस्वीर, तो ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली तस्वीर, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नासा ने मिलकर जारी किया था। इस तस्वीर में SMACS-0723 नाम के एक आकाशगंगा समूह यानी गैलेक्सी क्लस्टर को देखा जा सकता है। अब ये कोई ऐसी फोटो नहीं जिसे टेलीस्कोप ने बस क्लिक की और फोटो खींच गई, जैसे आप कैमरे से फोटो लेते हो और एक बटन में ही फोटो खींच जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस फोटो को खींचने में करीब 12.5 घंटे का वक्त लगा था। एक्चुअली में टेलीस्कोप ने ढेर सारी इमेजेस अलग अलग वेवलेंथ पर ली और बाद में इन्हें कंबाइन किया और हम अभी यही कंबाइन फोटो देख रहे हैं। नासा का कहना है कि इससे गैलेक्सी के साथ ही ब्लैक होल जैसी चीजों पर भी ठीक से रिसर्च हो सकेगी। 5 आकाश गंगाओं का समूह, स्टीफन क्विंटेट। ये है दूसरी फोटो जिसमें 5 गैलेक्सियों के समूह को पास में दिखाया गया है और स्पेस साइंटिस्ट ने इन्हें स्टीफन क्विंटेट पुकारा है। यहाँ कुछ लोगों को 4 ही गैलेक्सी नजर आ रही होंगी, लेकिन अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको सेंटर में 2 गैलेक्सियां आपस में घुसती हुई नजर आएंगी। दरअसल ये दोनों गैलेक्सियां बहुत तेजी से आपस में कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गैलेक्सियां आगे चलकर आपस में टकराकर मर जाएंगी। 5 ग्रुप वाली ये गैलेक्सियां पृथ्वी से करीब 4 से 34 करोड़ लाइट ईयर्स दूर हैं। मरते तारे की तस्वीर। इस तस्वीर में हम एक मरते तारे को देख रहे हैं, जिसे 2 कैमरे से लिया गया है। ये है मिर कैम से ली गई तस्वीर और ये है मिरी कैम से ली गई तस्वीर। मिरी कैम में हम 2 स्टार्स को आराम से देख सकते हैं, जो एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। इसमें जो ज्यादा चमकीला तारा है वो अपनी लाइफ की अर्ली स्टेज पे है और जो डीम हुआ तारा है वो मरने लग रहा है। दोनों स्टार्स के ग्रेविटेशनल पुल के कारण केंद्र में स्थित ये मरता हुआ तारा हजारों वर्षों से सभी दिशाओं में गैस और धूल के छल्ले भेज रहा है, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। नासा के मुताबिक ये धरती से लगभग 2500 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर आप तारों की मौत के बारे में पहली बार सुन रहे हैं या चौंक गए हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह हम इंसानों का लाइफ साइकिल होता है, ठीक उसी तरह तारे भी मरते और जन्म लेते रहते हैं। कैरिना नेबुला। इसके बाद हम देख रहे हैं अब तक की सबसे खूबसूरत फोटो, जिसमें हम एक तारे का जन्म होते हुए देख सकते हैं। चमकते सितारों से सजी पहाड़ों और घाटियों जैसी ये तस्वीर करीना नेबुला के उस हिस्से की तस्वीर है जहां नए तारे बन रहे हैं। जेम्स वेब की इस नई तस्वीर में कॉस्मिक माउंटेन्स और कॉस्मिक वैलीज दिख रहे हैं। करीना नेबुला के जिस इलाके में नए तारे का निर्माण हो रहा है उसे NGC-3324 नाम दिया गया है। इसमें सबसे ऊंचा पहाड़ 7 प्रकाश वर्ष ऊंचा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई इन अनोखी तस्वीरों के बारे में जानने के बाद अब हम समझेंगे इस टेलीस्कोप के इंजीनियरिंग के बारे में।
जानेंगे आखिर ऐसा क्या खास है इस टेलीस्कोप में कि ये मानवता के लिए गेम चेंजर बन सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर। टेलीस्कोप का पूरा खेल रोशनी पे टिका होता है। ब्रह्मांड के दूर दराज इलाकों के फोटोज लेने के लिए वहां से आ रही रोशनी को इकट्ठा करना होता है और टेलीस्कोप में ये काम करता है उसका प्राइमरी मिरर। टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर जितना बड़ा होता है वो उतना ज्यादा लाइट को कलेक्ट कर पाता है। ये अंतरिक्ष में भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। इससे पहले हबल टेलीस्कोप सबसे दमदार टेलीस्कोप हुआ करता था। वेब की तुलना में हबल टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर काफी छोटा है, लेकिन इस बड़े मिरर वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजना काफी चैलेंजिंग काम था। इसका मिरर इतना बड़ा था कि ये रॉकेट के फेयरिंग में फिट नहीं हो रहा था, इसलिए इसे फिर ऐसे डिजाइन किया गया ताकि ये रॉकेट में फोल्ड हो सके, इसलिए ये अभी आपको मधुमक्खी के छत्ते जैसा नजर आ रहा होगा। इसका प्राइमरी मिरर छोटे छोटे 18 हेक्सागोनल मिरर यानी षटकोण आकार के शीशे से बना है और अब ये टेलीस्कोप रॉकेट में रख के अंतरिक्ष में भेजा जा सका। अंतरिक्ष में अपने ठिकाने पे पहुंचने के बाद अब ये अनफोल्ड हुआ और ये काम पृथ्वी पे मौजूद कंट्रोल सेंटर से किया गया। हर छोटे हेक्सागोनल मिरर्स के पीछे प्रिसीजन मोटर्स लगी हुई है। इन्हीं मोटर्स की मदद से हर छोटे मिरर को ऐसे मूव किया गया ताकि ये परफेक्ट प्राइमरी मिरर बन जाए। ढंग से ऑब्जर्वेशन लेने के लिए इनका सटीक तरह से फिट बैठना बहुत जरूरी था, जिसमें एक बाल की चौड़ाई जितनी भी जगह होने की पॉसिबिलिटी नहीं होनी थी। ये करने में भी 3 हफ्तों से ज्यादा का वक्त लग गया। टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर को बनाने के लिए इसमें एक खास और बहुत ही दुर्लभ मेटल का इस्तेमाल किया गया जो है बेरिलियम। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये मजबूत होने के साथ साथ काफी लाइट वेट है और बहुत ठंडे तापमान पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से इसके आकार में परिवर्तन नहीं होता। जब बेरिलियम एक बार ठंडा हो जाता है तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से इसकी शेप चेंज नहीं होती, जो कि स्पेस में ऑपरेट करने के लिए प्राइमरी मिरर के लिए ये काफी क्रूशियल हिस्सा है। इन बेरिलियम के मिरर्स के ऊपर प्योर 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ाई गई है यानी शुद्ध सोना। सोने की ये परत बहुत पतली है। आसान भाषा में समझे तो ये लगभग 7 शादी की अंगूठियों के बराबर है। लेकिन सवाल ये है कि इनके ऊपर सोने की परत ही क्यों लगाई गई? शो ऑफ के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे गोल्ड और इंफ्रारेड का एक खास रिश्ता है। गोल्ड की इंफ्रारेड लाइट के कलेक्शन की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब सभी धातुओं में सोना ऐसी धातु है जो इंफ्रारेड लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो देखते हैं कौन सी धातु इंफ्रारेड लाइट को कितना रिफ्लेक्ट करती है। एल्यूमिनियम सिर्फ 85% इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, सिल्वर 95% और वही गोल्ड 99% इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। साथ ही गोल्ड अनरिएक्टिव मेटल है यानी बहुत ही शांत स्वभाव का, ये ज्यादा किसी से रिएक्शन नहीं करता, जिसके चलते इसमें जंग लगने या खराब होने जैसी दिक्कत नहीं होती, मतलब ये बहुत ही टिकाऊ और भरोसेमंद मेटल है। लेकिन टेलीस्कोप के अंदर असली खजाना ये सोने की परत वाला शीशा नहीं बल्कि इसके अंदर के साइंस इंस्ट्रूमेंट है, और ये सब अच्छे से काम कर सके इसलिए इन्हें अंतरिक्ष में एक खास जगह खींचा गया है और इस जगह का नाम है लैग्रेंज पॉइंट 2 यानी L2। ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये L2 कौन सी जगह है और ये क्यों खास है, आइए ये भी समझते हैं। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा ग्रेविटी के कारण करती है, ये तो हम सभी जानते हैं। ऐसा इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी ग्रेविटी नाम के एक अदृश्य धागे से बंधी है और इसी अदृश्य धागे से चांद, हम और बाकी प्लैनेट्स भी बंधे हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब सीन ये है कि हमें एक और चीज को सूर्य की परिक्रमा करवानी है, पर वो चीज पृथ्वी के पास भी होनी चाहिए ताकि उससे कम्युनिकेशन बना रहे, यानी उस बॉडी पर दो चीजों का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, एक तो सूरज का और दूसरा हमारी पृथ्वी का। अब सवाल उठता है कि इसे ऐसी कौन सी जगह रखा जाए ताकि ये सूर्य की परिक्रमा तो करे पर ये पृथ्वी के साथ भी जमा रहे।
18 सेंचुरी में एक गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने इस सवाल को हल किया। लैग्रेंज ने बताया कि ऐसे 5 बिंदु हैं जहां पे ये तीसरी चीज सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी से एक फिक्स दूरी बनाए रखेगी और इन बिंदुओं को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। और इन 5 में से वैज्ञानिकों ने L2 को इस मिशन के लिए सबसे सही समझा। वो इसलिए कि इस जगह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की एक साइड हर वक्त पृथ्वी और सूर्य की ओर रहेगी और दूसरी साइड सूर्य और पृथ्वी से बची रहेगी। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के एक हिस्से को पृथ्वी और सूर्य से बचाया जा सके। अब कहानी फिर इंफ्रारेड लाइट की तरफ लौट के आती है, उस बुनियाद पर जिस पर ये टेलीस्कोप टिका हुआ है। अब अगर आपको इंफ्रारेड लाइट क्या होती है ये नहीं पता तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बेसिक बातें बताती हूँ। हमारी आंखें रोशनी के विजिबल रेंज की तरंगों को देखती हैं और ये प्रकाश के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा हिस्सा है, जैसा कि आप अभी इस इमेज में देख रहे हैं। रोशनी के दूसरे हिस्से भी होते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, जैसे रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे। हम इन्हें अत्याधुनिक उपकरणों के सहारे ही देख सकते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन ये वही तरंगे हैं जिसकी मदद से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी चेक किया जाता है। ये आपके कपड़े और बैग के भीतर से होती हुई आती है और सिक्योरिटी वालों को पता चल जाता है कि बैग के भीतर क्या है। ऐसे ही कुछ उपकरण जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के भीतर लगे हैं जिनसे वो बहुत सारी नेबुलाओं और बाधाओं के पार देख सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी से आ रही गर्मी इसके ऑब्जर्वेशन पर बुरा असर डालती है, इसलिए जरूरी है कि टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन लेने वाला हिस्सा ठंडा रहे। इस हिस्से को गर्मी से बचाने के लिए जेम्स वेब में एक बड़ा सा कवच लगाया गया है। 5 लेयर्स वाली ये सनशील्ड एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है। ये शील्ड टेलीस्कोप के मिरर और साइंस इंस्ट्रूमेंट को सूर्य, पृथ्वी और चांद की गर्मी से बचाती है। सनशील्ड की वजह से टेलीस्कोप में 2 अलग अलग तापमान वाली साइड क्रिएट हो जाती है। जो साइड सूर्य और पृथ्वी की तरफ है उसका तापमान 85 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहीं दूसरी साइड -233 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कन्फिग्रेशन में टेलीस्कोप लैग्रेंज पॉइंट 2 को ऑर्बिट करते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन लेता कैसे, तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा ऑप्टिक्स और साइंस इंस्ट्रूमेंट को समझना होगा। ब्रह्मांड के सुदूर से आकर रोशनी हमारे टेलीस्कोप के बड़े से मिरर पे टकराती है और प्राइमरी मिरर सारी रोशनी को इकट्ठा करके अपने सामने लटके सेकेंडरी मिरर पे फोकस कर देता है। फिर सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रोशनी टेलीस्कोप के भीतर दाखिल होती है। यहाँ भी कुछ मिरर्स और लेंस का एक जटिल सेटअप लगा हुआ है। इनसे होती हुई फोकस रोशनी अलग अलग साइंस इंस्ट्रूमेंट में पहुँचती है, जहाँ पे ये साइंस इंस्ट्रूमेंट इस रोशनी पर स्टडी करके इसका डेटा पृथ्वी पर भेजती है। अब ये साइंस इंस्ट्रूमेंट क्या है और एग्जैक्टली इनका काम क्या है ये जानने के लिए हमें थोड़ी और गहराई में जाना पड़ेगा। जेम्स के उपकरणों को उनके काम के मुताबिक 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला इंस्ट्रूमेंट है नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी NIRCam। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सबसे जरूरी उपकरण है। ये इंस्ट्रूमेंट रोशनी कलेक्ट करने के बाद उसमें से इंफ्रारेड लाइट को फिल्टर कर लेता है। ये उपकरण ब्रह्मांड की सबसे शुरुआती गैलेक्सीज की लाइट्स को भी स्टडी कर सकता है और सौर मंडल के बाहरी इलाके में मौजूद चीजों को भी स्टडी कर सकता है। इसकी एक और खासियत ये है कि इसके अंदर कोरोनाग्राफी नाम की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक ब्राइट स्टार की लाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि उसके आसपास मौजूद कम चमकीली चीजें जैसे एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी किया जा सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कभी कभी सूरज की बहुत चकाचौंध रोशनी से हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, तो हम अपने हाथ को सूरज की रोशनी से ब्लॉक कर लेते हैं ताकि आसपास की कम ब्राइट चीजों को हम देख सकें। यही है कोरोनाग्राफी। NIRCam की हेल्प से बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद एक्सोप्लैनेट का कंपोजिशन स्टडी किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि क्या वहाँ पानी और कार्बन के पदार्थ मौजूद हैं जो पृथ्वी पर जीवन की बुनियाद है। मिड इंफ्रारेड टेलीस्कोप या MIRI, ये उपकरण NIRCam के मुकाबले इंफ्रारेड लाइट की बड़ी वेवलेंथ को कैप्चर करता है और इसमें भी कोरोनाग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ NIRSpec,
ये इंस्ट्रूमेंट कहीं से भी आ रही रोशनी को कुरेद कर समझने की कोशिश करता है। ऐसा है कि किसी भी चीज से आ रही रोशनी उस चीज की यूनिक पहचान छुपाए रखती है। उदाहरण के लिए कार्बन से जुड़े पदार्थ का एक यूनिक लाइट स्पेक्ट्रम होता है और पानी का भी एक यूनिक लाइट स्पेक्ट्रम होता है, यानी हर रसायन की यूनिक लाइट स्पेक्ट्रम होती है। इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रोशनी किस चीज की है और इसे ही स्पेक्ट्रोग्राफी कहते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में बहुत ही एडवांस स्पेक्ट्रोग्राफ इस्तेमाल हुआ है जो माइक्रो असेंबली जैसी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, यानी ये 100 से ज्यादा चीजों को एक साथ ऑब्जर्व कर सकता है। इसकी मदद से दूर जन्म ले चुके यंग गैलेक्सीज का केमिकल कंपोजिशन स्टडी किया जाएगा। नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ यानी NIRIS, लेकिन ये चमकीले और फीके दोनों तरह की चीजों को स्टडी कर सकता है। इसकी खासियत ये है कि चमकीले तारों के चक्कर काट रहे फीके प्लैनेट्स में मौजूद केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने के काम आता है। NIRIS के साथ वाले पैकेज में ही एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसका नाम है फाइन गाइडेंस सेंसर, जो टेलीस्कोप को स्पेस में स्थिर बनाए रखता है ताकि इससे लिए हुए पिक्चर्स ब्लर ना हो और पिक्चर्स की क्वालिटी अच्छी आए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 24 घंटे बिना किसी रुकावट के लगातार स्पेस में ऑब्जर्वेशन कर सकता है, जबकि हबल टेलीस्कोप में ऑब्जर्वेशन के वक्त कई बार पृथ्वी बीच में आ जाती थी। तो अब सोचिए कि ये टेलीस्कोप हमें और क्या क्या दिखाएगा। ये अंतरिक्ष में हमें बहुत दूर और बहुत पीछे ले जा सकता है। इसकी हेल्प से हम समझ पाएंगे कि शुरुआती गैलेक्सीज कैसे बनी और हमारी बुनियाद क्या है। ये हमें बताएगा कि क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में यूनिक हैं या कहीं से हमें एलियन लाइफ के संकेत मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि इससे हमें और मोटिवेशन मिलती रहे। और हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि आप भी इस ब्रह्मांड में बहुत खास हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।